दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलेगा। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे महामुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार ऐतिहासिक 8 विकेट से जीत हासिल की, मगर इसके बाद पाकिस्तानी दिग्गज भड़क चुके हैं और अपने ऐसे बयान दे दिए हैं कि सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो ऐसे में आखिरकार पहले वनडे महामुकाबले में भारतीय जीत से खुश नहीं है पाकिस्तानी दिग्गज, और शुएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम मुल्क तक ने ऐसे बड़े बयान दे दिए हैं कि सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। तो उन्होंने आखिरकार अपने बड़े बयान में क्या कुछ कहा है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय कप्तान केएल राहुल भविष्य में रोहित शर्मा की तरह सफल कप्तान बन पाएंगे या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार क्रिकेट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का शानदार तरीके से आगाज हो चुका है, जिसका पहला वनडे महामुकाबला वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में खेला गया। इस महामुकाबले में अफ्रीकाई कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका की तरफ से शुरुआत बेहद ज्यादा खराब रही और सर्वाधिक रन उनके ऑलराउंडर खिलाड़ी एंडले नाम के खिलाड़ी ने 49 गेंदों में 3 चौके 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर जैसे तैसे करके 33 रन की पारी खेली। इसके अलावा ओपनर टोनी डिजॉर्जी ने 28 रन बनाए। एडन मार्करम के 12 रन छोड़ दिए जाएं तो कोई दूसरा खिलाड़ी इससे ज्यादा रन नहीं बना पाया। पूरी अफ्रीका टीम 27.3 ओवर में महज 116 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम के सामने 170 रन का लक्ष्य दिया। इस महामुकाबले में भारत तेज गेंदबाज हरदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया, 5 विकेट लिए। आबिश खान को 4 विकेट और अंततः कुलदीप को 1 विकेट मिला और भारतीय टीम ने 170 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की, जहां पर शुरुआती विकेट के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ तो महज 5वें ओवर में अपने 5 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस चले जाते हैं। मगर युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने शानदार डेब्यू बना दिया अपना ड्रीम डेब्यू। उन्होंने आज इस मुकाबले में 43 गेंदों में 9 चौके लगाए और 127 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 55 रन की शानदार नॉट आउट पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। श्रेयस अय्यर भी उसके बाद उतरे थे। उन्होंने 45 गेंदों में 6 चौके 1 गगनचुंबी छक्के लगाकर शानदार मिडिल ऑर्डर में 52 रन ठोक दिए। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 117 रन आसानी से बना लिए और 8 विकेट से जीत हासिल करके 1-0 से श्रृंखला में बढ़त बना ली है। जहां पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद अब पाकिस्तानी दिग्गजों के बड़े रिएक्शन सामने निकल कर आए हैं, जहां पर सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा है, मैं तो भौचक्का रह गया हूं भारतीय टीम के इस अचंभित प्रदर्शन को देखकर। मैं मान रहा था कि भारतीय टीम एक नई टीम के साथ उतरी है, तेज गेंदबाजी बहुत ज्यादा कमजोर है। अफ्रीका की सरजमी पर भारतीय टीम ऐसे युवाओं को भेज रही है जिनके साथ जीतना असंभव था, मगर आज भारतीय टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वह लाजवाब है। कप्तानी केएल राहुल की खतरनाक रही। उसने जिस तरीके से उसके जो तेज गेंदबाज चल रहे थे उनका लगातार प्रयोग किया, स्पिनर्स को मौका तक नहीं दिया, जबकि पिछले मुकाबले में स्पिनर्स चले थे। जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि शुरू से स्पिनर्स को लगाया जाएगा, मगर केएल राहुल की कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी। हरदीप सिंह ने जो आज गेंदबाजी की है वह काबिले तारीफ रही और मैं मानता हूं सिर्फ गति ही नहीं बल्कि सही बुद्धिमत्ता और लाइन लेंथ हो तो आप किसी भी मुकाबले को पलट सकते हैं। आज हरदीप और आबिश खान की गेंदबाजी ने जो कमाल किया है वह सच में वर्ल्ड क्लास प्रदर्शन था। मैं मानता हूं भारतीय टीम के पास जो टैलेंट है वह किसी भी टूर्नामेंट को जीत सकता है और अब लग रहा है T20 विश्व कप 2024 तो भारतीय टीम आसानी जीत सकती है। दोस्तों, यह शानदार तारीफ का बयान शोएब अख्तर के मुंह सुनने के बाद आप तो भौचक्के रह गए होंगे, मगर दूसरी तरफ वसीम अकरम ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि मुकाबले से पहले भारतीय टीम से उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि इस महामुकाबले में जीत सकती है। T20 श्रृंखला का दूसरा महामुकाबला जीतना एक तुक्का मात्र समझा जा रहा था। भारतीय टीम में नया कप्तान केएल राहुल गया है जबकि बड़े बड़े खिलाड़ी नदारद हैं। तेज गेंदबाजी तो ऐसी है जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, आबिश खान, मुकेश कुमार, रणदीप सिंह ऐसे गेंदबाज जिनके की नाम आपने बहुत कम सुने होंगे, मगर इनने आज इस तरीके का प्रदर्शन किया तो इससे साबित होता है कि भारतीय टीम के पास टैलेंट की कमी नहीं है। ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर उसके पास भरे पड़े हैं कि अभी जिस भी टीम को वो खिला दें, जिस भी देश में खिला दें, वह आसानी से हरा सकते हैं। मुझे तो आज देखकर होश उड़ गए कि इस तरीके गेंदबाजी भी भारतीय टीम के युवा गेंदबाज कर रहे हैं, उनके IPL खेलने का यह फायदा है। आज भारतीय टीम की कप्तानी जबरदस्त रही और रणदीप सिंह को मैं सराहना देना चाहता हूँ कि वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, आगे अच्छा करे। मगर अगर इस महामुकाबले में जीतने के बाद आगे आने वाले मुकाबले हारते हैं तो यह मात्र तुक्का कहलाएगा। तो मैं भारतीय टीम से कहना चाहूंगा, अपनी कंसिस्टेंसी को दिखाएं, आगे आने वाले मुकाबले जरूर जीते। दोस्तों, वसीम अकरम के इस रिएक्शन के अलावा इंजमाम मुल्क, पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज खिलाड़ी, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। इंजमाम मुल्क ने अपने बड़े बयान में कहा है कि भारतीय टीम एक अच्छी टीम है और शुरू से लग रहा था कि इस श्रृंखला में भारतीय टीम जीत सकती है। पिछली बार देखा गया था अफ्रीकाई दौरे पर भारतीय टीम और व्हाइट वॉश यानी कि 3-0 से हार कर आई थी। जैसे उम्मीद तो नहीं लगाई जा रही थी कि T20 में भले ही आपने एक मुकाबला उनको हरा दिया है, उनकी सरजमी पर जहां बाउंसी पिच है उस पर उनको हराना असंभव है। जोहान्सबर्ग के मैदान पर जहां पिछले महामुकाबले में स्पिन गेंदबाजी चली थी, इस मैदान पर आज तेज गेंदबाजी ने जो कमाल किया है वह सच में चौंकाने वाला प्रदर्शन है। ऐसा कंसिस्टेंट प्रदर्शन भारतीय टीम गेंदबाजी में दिखा रही है, बल्लेबाजी में दिखा रही है और अब तो तेज गेंदबाजी में अलग से दिखा रही है। इससे साबित होता है कि भारतीय टीम आने वाले समय में 2024 का विश्व कप इनके बाएं हाथ का खेल दिखाई दे रहा है। अगर पाकिस्तान को भी कुछ सीखना है तो भारतीय टीम से सीखे कि आप अपने मैचों में बदलाव करें, नए नए खिलाड़ियों को आजमाएं जिससे आने वाले समय में आपके पास अच्छे ऑप्शन मौजूद हो। दोस्तों, यह तो पाकिस्तानी दिग्गजों के बड़े
बड़े बयान है, मगर आपको क्या लगता है भारतीय टीम में हरदीप सिंह के भविष्य में बुमराह जैसे घातक गेंदबाज बन पाएंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नए सब्सक्राइब कीजिए।